लगातार चल रहे सीयूईटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड काउंसलिंग ने एक नया ही मोड ले लिया है। हालांकि जिस प्रकार से सेंट्रल यूनिवर्सिटियों की काउंसलिंग चली जा रही है, आपके जो सेमेस्टर्स है वो काफी ज्यादा लेट होते जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंडिया के अंदर जितने भी प्राइवेट एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर कॉलेजेस के अंदर आपकी जो क्लासे हैं वो ऑलमोस्ट आपकी अक्टूबर से चल रही है। सितंबर से भी बहुत सारे कॉलेजों के अंदर 15 सितंबर से क्लासेस कंडक्ट की जा रही है। ले एंड अगर अपन बात की जाए आईआईटीज एंड एनआईटीज के क्लासेस भी ऑलमोस्ट 9 नवंबर 2022 से स्टार्ट कर दी गई थी, लेकिन अभी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कॉलेजों में एडमिशन चल रहे हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटियों के बहुत सारे कॉलेजों के अंदर एडमिशन चल रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीयूईटी का काफी अच्छा कॉलेज जिसको हम आईजीएनटीयू के नाम से जाते हैं, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, जहां पे जो एडमिशन है वो अभी स्पोर्ट राउंड का नोटिस आ चुका है। जी हाँ, काफी सारे बच्चों के इंतजार के बाद यूनिवर्सिटी ने 3 राउंड ऑफिशियली कंडक्ट किए, उसके बाद लास्ट में यूनिवर्सिटी ने ऑफलाइन का निर्णय ले लिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक की तरफ से ऑफिशियल नोटिस रिगार्डिंग द ओपन काउंसलिंग फिजिकल राउंड के लिए कंडक्ट कर दिया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के अंदर आपको एडमिशन लेने के लिए 25 एनटीए नॉर्मलाइज स्कोर या फिर 25 से अबव होना चाहिए। जिन भी बच्चों के इतने मार्क्स हैं वो इलिजिबल है। आपके कोर्सेज की फीस स्ट्रक्चर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है। आप उतनी फीस आपके अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आप यूनिवर्सिटी के अंदर जो है, अगर आपकी कैटेगरी यूजी है या फिर पीजी है, दोनों के लिए 29 और 30 नवंबर को पहुंचाना। आप अपनी अपडेट्स के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हो कि आपको कब जाना है। एंड आपको जो है अपने मार्क्स का जरूर से ध्यान रखना है, आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपका नॉर्मलाइज स्कोर जो है 25 होना चाहिए अगर आप बिलोंग करते हैं जनरल EWS एंड OBC कैटेगरी से, एंड अगर आप बिलोंग करते हैं SC ST एंड PWD से, तो अगर आपके 20 स्कोर है नॉर्मलाइज तो भी आप यूनिवर्सिटी के अंदर ऑफलाइन विजिट कर सकते हैं। एंड बहुत सारे कोर्सेज के अंदर काफ़ी सारी सीटें वैकेंट है। जैसा कि अगर अपन बात करें वी फार्मा कोर्सेज के अंदर, तो वहाँ पे 35 सीटें वैकेंट है। वैसे ही अदर कोर्सेज के लिए सीटें काफ़ी ज़्यादा वैकेंट है। UG एंड PG वाले बच्चों को अलग अलग डेज को बुलाया गया है। तो इस प्रकार से आपकी IGNTU की ऑफलाइन काउंसलिंग कंडक्ट की जा रही है। ऐसी बेटर अपडेट्स के लिए आप हमारे नीचे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको सारी की सारी अपडेट दी जाती है। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जैसा कि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में स्पेशल ड्राइव एडमिशन हो रहे हैं, जो कि 25 से लेकर 28 तक शाम को 5 बजे से चलेंगे। 29 को आपके जो है लास्ट एडमिशन स्पेशल ड्राइव कंडक्ट होगा, हालांकि वहाँ पे जो आपकी क्लासें ऑलरेडी कंडक्ट हो रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में फिर से एडमिशन और स्पोर्ट राउंड स्टार्ट हो चुका है, एंड अदर बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग जो है जरूर से उनमें अप्लाई करें, या फिर हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आप पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हमारी एक्सपर्ट टीम जो है आपके लिए जो भी बेस्ट ऑप्शन होता है वो हम प्रोवाइड करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश दुनिया के अंदर ऑलमोस्ट IITs के जो एडमिशन है वो 9 क्लासेस जो है 9 नवंबर 2022 से स्टार्ट हो चुकी है। अदर प्राइवेट कॉलेज एंड गवर्नमेंट कॉलेजों की बात की जाए तो वहाँ पे जो आपकी क्लासें हैं वो ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि आपकी जो क्लासें हैं वो सितंबर 15 से स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन आपके कुछ कॉलेजेस सेंट्रल यूनिवर्सिटी DU के कुछ कॉलेजेस अभी भी एडमिशन प्रोसेस के अंदर ही फंसे हुए हैं। तो आप सभी लोगों को इस चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, बिकॉज आपका जो सेमेस्टर है वो काफ़ी ज़्यादा लेट होता जा रहा है। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपके जो मिड सेमेस्टर टेस्ट एंड जो भी आपके दिसंबर एग्जामिनेशन होते हैं वो ऑलमोस्ट आपके 15 से लेके 25 दिसंबर से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगी। आप जो बच्चे अब एडमिशन लेने वाले हो आपके एग्जामिनेशन ऑलमोस्ट मार्च के अंदर कंडक्ट होंगे। हालांकि AICTE, UGC एंड यूनिवर्सिटी की कुछ गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपकी क्लासें ऑलमोस्ट 90 डेज की होनी चाहिए मिनिमम, यानी कि आपका पूरा जो सेमेस्टर है वो सिर्फ और सिर्फ 90 दिन के अंदर कंप्लीट किया जाता है। लेकिन हमसे जो फीस चार्ज है, चाहे वो हॉस्टल हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी की हो, चाहे वो हमारा फीस स्ट्रक्चर हो, वो टोटली पूरा 6 महीने के अकॉर्डिंग लिया जाता है, इसीलिए इसको सेमेस्टर बोला जाता है। हालांकि आपको ये सेमेस्टर क्यों बोला जाता है इसके पीछे भी बहुत सारे लॉजिक हैं, जैसे कि ये 6 महीने का होता है इसलिए इसको सेमेस्टर बोला जाता है। और भी बेटर अपडेट के लिए हमारा स्टार्टअप यूट्यूब चैनल आप जरूर से ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। हम आपकी इतनी हेल्प करते हैं, आप हमारी हेल्प करो।
ठीक है, जस्ट सब्सक्राइब नाउ, कंप्लीट नाउ 100, 200, 300 That's like 1,000, 2,000 subscribers. After I complete the 200 subscribers, we are uploading a new video. Thank you so much.